हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट की चोट के साथ कई बार मेनिस्कस भी फट जाता है। ज़्यादातर हर जगह तो मेनिस्कस रिपेयरिंग के साधन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि इंडिया के ज़्यादातर पेशेंट मेनिस्कस रिपेयर के लिए हमारे पास ही आते हैं। मेनिस्कस रिपेयर का जो हमारा तरीका है वो बहुत सस्ता है। ज़्यादातर जगह मेनिस्कस रिपेयर में 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है चार्जेस बहुत कम रहते हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनके एसीएल के साथ साथ मेनिस्कस रिपेयर हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा विवेक कुमार नाम है पूरा। विवेक, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बक्सर के रहने वाले हैं। आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? लिगामेंट हम फुटबॉल खेलने के दौरान पैर बीच में छटक गया था और पीछे की तरफ मुड़ गया, जिसमें से लिगामेंट टूट गया हमारा। क्या दिक्कत हो रही थी आपके ऑपरेशन, मतलब उसके चोट लगने के बाद? दिक्कत ये हो रही थी कि बार बार मन लचक आ रहा था पैर में, फिर से जो चक्की है वो थोड़ा थोड़ा फंस जा रहा था कभी कभी, यही दिक्कत थी। तो आपने आसपास में कहीं डॉक्टर्स को दिखाया था, वहाँ पे क्या राय थी? आसपास में हमने बनारस के एक डॉक्टर को दिखाया था, तो अभी ऑपरेशन के लिए बोले थे। तो आप वहाँ पे ऑपरेशन का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि जैसे कि आप एक होता है ना कि बाद में डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, फिर बाद में चक्की उसी तरफ फंस जा रहा है, फिर से दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। अच्छा, इस सब का रिस्क हमको लग रहा था उस डॉक्टर के पास। आपको लग रहा था कि ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास नहीं हो रहा था। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? आपके बारे में यूट्यूब से पता चला हमको। तो आपके मन में ये धोखा नहीं था कि यूट्यूब पे हो सकता है मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, कल को आपके साथ चीटिंग नहीं हो जाए? मतलब ऐसा डाउट हो रहा था कि मन में कि नहीं ऑनलाइन है, मतलब वहाँ पर नहीं जानते हैं, नहीं जा सकते हैं। बट आपका जो YouTube पर रिकवरी वीडियो है, लोग जो आप यहाँ से इलाज करा के गए हैं, वो जो भी वो मतलब अपने वीडियो डाले हैं आप उनका, वो कुछ हमको अच्छा प्रभावित हुआ। फिर आपसे बात हुआ, फिर आपने जो भी मतलब बताया उसके अनुसार हमको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं आप अच्छे हैं और अच्छा कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन में? दर्द तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी मतलब दर्द के 12 घंटे के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत दर्द हुआ, मतलब दर्द ऑपरेशन करने के समय थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। अगर आप ये बताइए कि जैसे कोई और लोग हैं बक्सर के रहने वाले, इनको ACL टूटा हुआ है या मेनिस्कस है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि मतलब आप यहाँ पर कराएं, यहीं बेस्ट है, कम पैसा में अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा मैनेजमेंट है। अभी आपको जो पैर है, क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, 45 दिन तक ज़मीन पे नहीं रखना है, पैर को वॉकर से यूज़ करना है। अगर सिर्फ ACL होता तो आप 15 दिन में चल सकते थे, लेकिन मेनिस्कस में आपको 45 दिन तक पैर ज़मीन पे टिकाना नहीं है, पाँव को धीरे धीरे मोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से 45 से 60 दिन में पैर मोड़ना है, और कोई भी दिक्कत होती है आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है? जी सर। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इलाज करना बेस्ट रहेगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।